आई हेट दिस प्रोडक्ट, मतलब बड़ी नफरत है मुझे. लुक एट दिस, कितनी अच्छी इनकी क्वालिटी है. 3 रिकमेंडेशन मेरे पास मैक से हैं. इतना मस्त आता है, लाइक लुक एट दिस, ओ माई गॉड. इट्स अ वेरी प्रिटी ब्राउन शेड. With their hot pink sale, जो हर साल उनकी सीजन सेल आती रहती है. क्या मैंने उल्टा पकड़ा है? नहीं. सो ऑफकोर्स आई एम गोना डू माई हॉट पिंक सेल बॉक्स. क्या है इस बार मेरे हॉट पिंक सेल बॉक्स में, वो तो मैं दिखाने ही वाली हूँ ऑफकोर्स. लेकिन इस बार मैं अपने रिकमेंडेशन भी करने वाली हूँ. यूजली मैं अपने रिकमेंडेशन इंस्टाग्राम पर Q&A के थ्रू करती हूँ, बट मैंने काफ़ी सारे कर लिए यार, अब रिपीटेटिव हो जाता है. सो मुझे लगा इस बार यूट्यूब पर मैं अपने रिकमेंडेशन देती हूँ. सो आई हैव बंच ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ माई ओन चॉइस एज वेल, जो मैं बेसिकली रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही हूँ. सो यही मैं रिकमेंड करने वाली हूँ. विदाउट एनी Let's get started. उससे पहले जरा वापस आओ, फटाफट सब्सक्राइब बटन पे हिट करो, गिव इट अ बिग थम्स अप एज वेल, बिकॉज आई नो यू विल लाइक माय कंटेंट. और जो लोग साइलेंटली देखते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है? फटाफट सब्सक्राइब करो. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद माई रिकमेंडेशन मेकअप नंबर 1, जो मैं बेसिक से शुरू करने वाली हूँ. सो मैं स्टेप बाय स्टेप जो मेकअप रूटीन होता है ना, मैं उस स्टेप में आपको अपने रिकमेंडेशन देने वाली हूँ. सो स्टेप नंबर 1 ऑब्वियसली प्राइमर होता है. उससे पहले जो भी स्किन केयर होता है वो मैं रिकमेंड यहाँ नहीं करूँगी. आई थिंक मैं स्किन केयर रिकमेंडेशन इंस्टाग्राम पर ही करूँगी, बिकॉज स्किन केयर काफ़ी स्पेसिफिक होता है. तो जो भी आप मेरे से क्वेरीज पूछोगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, जो Q&A में आप हमेशा मेरे से पूछते हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशन दूंगी. सो जिनको भी स्किन केयर रिकमेंडेशन चाहिए, यू हैव टू रीच आउट टू माई इंस्टाग्राम. मैं यहाँ पे हैंडल डाल दूंगी और नीचे लिंक भी डाल दूंगी. बट फिलहाल मैं मेकअप रिकमेंडेशन करने वाली हूँ. सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन, जो मैंने अभी अपने रीसेंट फेवरेट्स में भी दिखाया था, इज दिस पर्टिकुलर वन. ये है नायका का प्रेप मी अप फेस प्राइमर. दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. मैं जब से मुझे रिसीव हुआ ना, मैं इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रही हूँ. इतना अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, सारे पोर्स को फिल इन कर देता है. अगर आपको गर्मियों में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपके मेकअप से लाइक आप मेकअप करते हो ग्रीसी हो जाता है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप एक अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करो. एक तो पोर्स फिल इन हो जाते हैं, प्लस जो भी स्वेटी और ग्रीसीनेस होती है ना, वो कम से कम आती है. एंड ऑफकोर्स जिनको भी यहाँ पे स्कारिंग का इशू है, लाइक आई हैव एक्ने स्कारिंग एंड ऑल, तो जब मैं एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छे से वो फिल इन हो जाता है और फिर मेकअप बहुत एक ब्यूटीफुल निकल के आता है. इसका एक मिनी वर्जन भी आता है. स्टेप नंबर 2 इज कलर करेक्शन, एंड फॉर दैट आई हैव दिस नायका की लिपस्टिक जैसी कलर करेक्टर स्टिक, जो कुछ इस तरह से दिखती है. इट्स लाइक अ लिपस्टिक काइंड ऑफ थिंग, और सेंटर में कुछ वाइट वाइट है. आई थिंक ये नरिशमेंट के लिए होता होगा. एंड दिस इज इन द शेड पीच. ये ऑरेंज जैसा नहीं है, ये पीच कलर का करेक्टर है. सो रिसेंटली मैं एक ब्यूटी स्टोर गई थी, मैं वैसे लेने ऑरेंज कलर का करेक्टर गई थी, बट देन शी रिकमेंडेड कि नहीं, आपकी जो स्किन टोन है ना, उस पर पीच ज़्यादा अच्छे से जाएगा. सो आई बॉट दिस एंड आई रियली लाइक इट. काफ़ी अच्छे से जो भी हल्के फुल्के एक्ने मार्क्स होते हैं उसको कवर अप कर देता है. काफ़ी बार हद से ज़्यादा जब ऑरेंज कलर का कंसीलर करेक्टर यूज़ कर लो ना, आपका बेस भी ऐसा ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है. बट दिस वन वर्क रियली वेल. आइटली मैं अपने ऐसे डार्क सर्कल्स पे जो भी डार्कनेस होती है वहाँ पर यूज़ करके ब्लेंड कर लेती हूँ, एंड देन यू कैन यूज़ योर फाउंडेशन. उससे ज़्यादा एक अच्छी कवरेज आती है, बिकॉज एक्ने मार्क्स जब तक कलर करेक्ट नहीं करोगे ना, वो एक कवरेज नहीं आएंगी. नेक्स्ट अप वी हैव कंसीलर्स, एंड आई स्वेयर बाय के बाय कैटरीना के के ब्यूटी के कंसीलर. दीज आर सो 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 गुड. जब भी सेल आती है इनको रीस्टॉक कर लिया करो. सो आई हैव 2 शेड्स है. एक तो कॉन्टोर शेड है, ये है 195P डीप. सो इनके 3 बेसिकली रेंज आती है, पी एन एंड वाई. पिंक अंडरटोन, वाई स्टैंड फॉर येलो अंडरटोन, एंड एन स्टैंड फॉर न्यूट्रल अंडरटोन. तो सबसे पहले आपको अपनी अंडरटोन चेक करनी है. वो कैसे चेक करनी है? आपको यहाँ पे अपने वेन्स के कलर से पता चल जाएगा. एक बार जरा धूप में जाओ, अपनी वेन्स के कलर देखो, गूगल पे जाओ, एक बार अंडरटोन का चार्ट मैच करो, आपको पता चल जाएगा आप पी एन वाई किस में आपका अंडरटोन आता है, और उसके हिसाब से फिर आप स्पेसिफिकली उसमें शेड चूज करो. सबसे पहले मेरे पास पी शेड में 195 डीप है, और इससे मैं कॉन्टोरिंग करती हूँ. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेड फॉर कॉन्टोरिंग. बहुत लाइट और नेचुरल इससे कॉन्टोरिंग होती है. ऑल्सो दीज आर हाइड्रेटिंग कंसीलर, ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होते आपकी स्किन पर. फिर है मेरे पास 110N लाइट. सो ये लाइट शेड है और न्यूट्रल अंडरटोन का शेड है, कुछ इस तरह से दिखता है. इससे मैं हाईलाइटिंग करती हूँ. जो भी मुझे हाईलाइटिंग करनी होती है अंडर आइज की, बिलो द जॉ लाइन, मैं इस शेड से करती हूँ. दीज आर वेरी वेरी नाइस. दे ब्लेंड रियली वेल इन टू योर स्किन. बिल्कुल भी पैची पैची नहीं होते. ये हाइड्रेटिंग कंसीलर्स है बेसिकली. और जब भी सेल लगती है ना, के बाय कैटरीना पे बहुत हैवी डिस्काउंट आते हैं, बिकॉज जो ये के ब्यूटी है, ये नायका की ही एक तरह से इनहाउस ब्रांड है, इन कोलैबोरेशन विद के बाय कैटरीना. सो इस पर बहुत अच्छी डील्स आती हैं. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. आपके पैसे भी बच जाएंगे. इनका फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है. जो भी लोग मेरे से पूछते हैं ड्राई स्किन के लिए कोई फाउंडेशन बताओ, के बाय कैटरीना का जो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है वो काफ़ी अच्छा है. स्पेसिफिकली अगर आपका मेकअप क्रैक होता ना, आई वुड से इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करके देखो, आपका मेकअप क्रैक नहीं होगा. सो मेरे पास इनका एक कॉम्पैक्ट भी है, जो बेसिकली डीप शेड में है. मेरे पास
एक लाइट शेड में कॉम्पैक्ट था जो मेरे पास अपने घर पर रखा हुआ है, सो वहाँ मेरे पास नहीं है यहाँ पे। बहुत प्यारा कलर है, मतलब बहुत फाइनली मिल रहा है। तो ओनली थिंग इज एकदम कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है ना, तो इसमें स्पंज नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो आपको अपना कोई ब्रश यूज़ करना पड़ता है। सो मेरे पास ये 190N डीप शेड है जिससे मैं हल्की हल्की कॉन्टोरिंग करती हूँ। दीज आर लाइक बटरी सॉफ्ट, इनके फाउंडेशन ही बोलते हैं कि इसके अंदर कुछ बटर इन्होंने डाला होता है, लाइक कुछ इंग्रीडियंट है जिससे ये बटरी बटरी सॉफ्ट फील होते हैं। बट दीज आर वेरी वेरी नाइस। अगर आप कॉन्टोर के लिए कोई पाउडर देखो, लाइक जो बहामा मामा पाउडर आता है, फिर कोई भी एक्सपेंसिव कॉन्टोरिंग पाउडर देख रहे हो ना, उससे बेटर आप ये वाला लो, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। बाय कैटरीना का है ब्लश, दिस इज इन द शेड सॉफ्ट न्यूड, वेरी ब्यूटिफुल कलर, लाइक लुक एट दिस। ये बिल्कुल भी वो ऐसे क्लाउनी नहीं लगता, लाउड नहीं लगता, बहुत प्यारा कलर है। एंड इसका बहुत सॉलिड पिगमेंटेशन है, मतलब अगर आपने ब्रश को हल्का सा प्रेशर दे के लगा दिया ना, आपके एकदम चीज भर जाएंगे। सो आपको ऐसे हल्का सा टच करना होता है, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ सॉफ्ट न्यूड लुक्स लाइक, इट्स लाइक वेरी वेरी नेचुरल, बहुत हल्का दिखता है। आपको ऐसा ब्लश ढूंढ रहे हो जिसमें शिमर पार्टिकल ना हो, गो फॉर दिस ब्रांड, यू विल लव इट। फाउंडेशन में मैं हर बार रिकमेंड करती हूँ या तो फिट मी या फिर मेबलिन का सुपर स्टे, लेकिन इस बार मैं कुछ डिफरेंट रिकमेंड करने वाली हूँ, विच इज़ फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। सो इसमें ना दो रेंज आती है, एक ये है अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन जो एकदम बेसिक वाला फाउंडेशन है। अगर अंडर 1000 रुपीज़ आप कोई अच्छा फाउंडेशन देख रहे हो जो आपको एक ब्राइडल इफेक्ट, लाइक आप हैवी पार्टी फंक्शन वाला मेकअप करना चाहते हो ना, तो आप ये ले सकते हो। बट अदरवाइज आई वुड रिकमेंड द प्रो रेंज, इसका एक प्रो रेंज का ही फाउंडेशन आता है। मैं मेकअप की क्लासेस ले रही हूँ तो मुझे वहाँ पर भी उन्होंने ये रिकमेंड किया कि अगर आप कुछ बजट में एक अच्छा क्वालिटी का लिक्विड फाउंडेशन लेना चाहते हो, फॉरएवर 52 इज द ब्रांड। और इस पर कभी डिस्काउंट नहीं आते, सेल पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट अगर आता ना, 10-20 या फिर कुछ फ्रीबी वाला डिस्काउंट आता है, आई वुड से ले लो, बिकॉज इस ब्रांड पर हार्डली कोई डिस्काउंट आता है। सो आई हैव दिस फाउंडेशन इन द शेड संडे, और ये हल्का सा लाइट है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, हल्का सा लाइट है। कभी अगर मुझे टोन टू टोन मेकअप करना होता है तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, बट दिस काइंड ऑफ गो वेल विद माई स्किन टोन। थोड़ी देर बाद जब ऑक्सीडाइज होता है ना, तो काफ़ी अच्छे से मैचअप हो जाता है। मेरी ऑयली स्किन है तो बहुत जल्दी ग्रीसी एंड ऑल हो जाती है, तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ अपनी टोन से ना एक शेड लाइटर फाउंडेशन लूँ, ताकि जब वो ऑक्सीडाइज भी हो तो मेरे फेस को काला काला ना दिखाए। सो ये संडे जो शेड है काफ़ी अच्छे से जाता है। इसका एक हनी शेड आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी आप ले सकते हो। मतलब इसकी शेड रेंज काफ़ी अच्छी है, आप इनका मैच करके आराम से ले सकते हो, एंड दिस इज़ वेरी नाइस। ये ऑयली नहीं ज़्यादा फील होता, लेकिन ये आपके मेकअप को क्रैक भी नहीं करता, तो फॉर्मुलेशन इज समवेयर इन बिटवीन, इट्स नॉट मैट, इट्स नॉट ग्रीसी, इट्स लाइक द परफेक्ट फॉर्मुलेशन। सो अगर बजट कम है तो ये अल्ट्रा वाला ले लो, लेकिन अगर बजट हल्का सा और ज़्यादा और आप कुछ ब्राइडल या फिर अपनी शादी के लिए या फिर कोई फंक्शन के लिए देख रहे हो ना, तो इनका प्रो रेंज वाला लेना, वो काफ़ी अच्छा है। सबके लिंक्स बाय मैं नीचे दे दूँगी, सो प्लीज़ चेक कर लेना। देन नेक्स्ट अब ये मैंने अभी रिसेंटली अपने मेकअप मंथली फेवरेट्स में भी दिखाया था, ये है नायका का ग्लैमर आइज इन द शेड ब्लू हेक्स। इतना प्यारा काजल है, मैं आजकल कॉन्स्टेंटली ये यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मैं जीन्स बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, डेनिम्स बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, और डेनिम्स के जो यूजुअल शेड होते हैं वो ये ब्लू टोन के होते हैं। सो ये काफ़ी अच्छे से मैचअप कर जाता है, इट्स लाइक अ वेरी नाइस इलेक्ट्रिक ब्लू काजल। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसको बस आई स्ट्रेच की लगा लिया, दैट्स इट, कोई लिक्विड लाइनर वाला झमेला नहीं है। सो अगर आप कुछ न्यू भी होना या फिर आपको ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता, आपको एक बेसिक काजल लगाना आता है, तो ये ले लो। मैंने लोकल ब्रांड के भी यूज़ करके देखे हुए कलर्ड काजल्स, बट वो बहुत ज़्यादा लाइक बहुत जल्दी ब्लीड हो जाते हैं, ऊपर एक लाइन बन जाती है, क्रीज हो जाते हैं, बट दीज आर वेरी गुड। मैंने इसको भरी गर्मी में भी टेस्ट करके देखा है, ये इतनी जल्दी ब्लीड नहीं होता, वॉश ऑफ नहीं होता, एज इन माइसलर वाटर से तो हट जाता है, लेकिन इतनी जल्दी गर्मी में ऐसे हटेगा नहीं। सो फॉर द क्वालिटी की दीज आर वेरी गुड। इसमें ग्रीन कलर आता है, इसमें एक लाइट ब्लू भी आता है, एक पिंक कलर भी आता है। सो अगर आप कलर प्रॉब्लम है मुझे प्रोडक्ट्स गिराने की, सो अगर आप कलर लाइनर्स या फिर काजल के फैन हो, डू ट्राई दिस, यू विल लव इट। नेक्स्ट अब वी हैव लिपस्टिक रिकमेंडेशन, और लिपस्टिक के रिकमेंडेशन मेरे पास अभी मेरे पिंक बॉक्स में से भी हैं, लेकिन मैं तीन रिकमेंडेशन मैक से देना चाहती हूँ। मैक से क्यों? बिकॉज जब भी नायका पर सेल आती है ना, मैक पर हमेशा कोई ना कोई डील आती है, लाइक दे गिव यू सम फ्री भी, कोई 2000 की शॉपिंग होगी तो ये फ्री मिलेगा, या फिर काफ़ी बार ऐसा होता है कि 1500 की शॉपिंग पे एक लिपस्टिक आप अपनी चॉइस की ले सकते हो। मैंने एक बार सेल पे यही किया था, मैंने इनका मैक फिक्स प्लस लिया था और एक लिपस्टिक मैंने फिर अपनी चॉइस की ली थी। सो आप ऐसा भी कर सकते हो। सो इसलिए मैं आपको तीन रिकमेंडेशन दे रही हूँ मैक से, जो शॉर्ट आपको पसंद आने वाले हैं। सबसे पहले है मैक का मौका, ये मेरा करंट फेवरेट चल रहा है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल शेड। मैक मेहर भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बट एक बार मौका का स्वाच देखो आप, मतलब ये इतना प्यारा शेड है ना, दिस इज लाइक अ वेरी नाइस कॉफी न्यूड सॉर्ट ऑफ कलर, मतलब क्या बोलो, एक बहुत प्यारा
जैसे सैंडी ब्राउन शेड का न्यूड कलर होता है ना, ये बिल्कुल वैसा है. सो ये काफ़ी अच्छा है. अगर आप एवरीडे वर्क वेयर के लिए कोई देख रहे हो, ऑफिस के लिए कोई शेड देख रहे हो, मौका इज रियली नाइस. नेक्स्ट अप वी हैव मैक का मेहर, विच इज ऑब्वियसली कल्ट फेवरेट. ये तो मेरे पास दो दो लिपस्टिक है, मैंने एक और अपने बैग में डाली हुई है. इसके मिनीज भी आते हैं बाय द वे, ऐसा नहीं आपको मैक का फुल साइज लेना है. अगर आपका बजट नहीं है, आपको छोटा लेना चाहते हो, आप मैक का मिनी भी ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं. सो ये है मैक का मेहर, विच इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक टोन कलर. सो ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, लाइक मैं आपको पास से दिखाती हूँ. सी, मेहर में एक पर्पल ब्लू अंडरटोन आता है, जबकि इसके अंदर एक रेडिश अंडरटोन आता है. सो दोनों ही बहुत प्यारे शेड है फॉर एवरीडे बेसिस. एंड थर्ड शेड जो मेरा शादी के बाद एक फेवरेट शेड चल रहा है, वो है क्रेविंग. ट्रस्ट मी, अगर आपको मेहर थोड़ा सा डल लगता है ना अपने ऊपर, या फिर आपको हल्का सा मेहर से एक शेड अप चाहिए, तो आप ये क्रेविंग शेड ट्राई कर सकते हो. बहुत अच्छा शेड है. लाइक लुक एट दिस, इट्स लाइक अ लाउडर वर्जन ऑफ मेहर. मेहर थोड़ा सा एक पर्पल अंडरटोन में आता है, वाइट क्रेविंग इज लाइक नाइस प्रिटी पिंक सॉर्ट ऑफ कलर. सो ये तीन रिकमेंडेशन मेरे पास मैक से हैं. अगर आप मैक लेना चाहते हो सेल के टाइम, दीज थ्री आर वेरी नाइस, डू चेक इट आउट. देन नेक्स्ट अप वी हैव आई शेडोज. अब आई शेडोज पे तो देखो बहुत ज़्यादा डील्स आती हैं ऑफकोर्स अलग अलग ब्रांड से. तो मेरे पास तीन ब्रांड के आई शेडो हैं जो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट रिकमेंड करूँगी, जिन पर डील भी बहुत अच्छी आती है. दीज आर लाइक वर्थ एवरी पेनी. सबसे पहले है मेरे पास ये हुडा ब्यूटी की सैंड हेज. दिस इज आवर लुक्स लाइक. ये आई डोंट नो अभी नायका पर अवेलेबल नहीं है या फिर किसी और वर्जन में अवेलेबल है. ये सेम एग्जैक्ट पैकेजिंग आई थिंक अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है. मेरे पास ये पुराने वाला पैलेट है, बट दिस इज हाउ सैंड हेज ऑब्सेशन लुक्स लाइक. बड़ा प्यारा पैलेट है. ये मेरा मोस्ट यूज पैलेट है बाय द वे. सबसे ज़्यादा मैं यही यूज़ करती हूँ. आज ही मैंने यही वाला यूज़ किया है. ये दोनों डार्क वाले शेड यूज़ कर रहे हैं और ये वाला जो एक पिंक. सो दिस ग्लिटर्स आर वेरी ब्यूटीफुल. ये बिल्कुल भी वो चंकी और वो बड़े बड़े होते हैं ना, ये वैसे वाले ग्लिटर नहीं है. ये बहुत फाइनली मिल्ड है, तो बहुत नेचुरल एक लुक निकल के आती है. मैंने आज यही वाला अंदर यूज़ किया हुआ है एंड आई लव इट. ये सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ. हुडा ब्यूटी के पैलेट तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी, बिकॉज सेल पर ये स्टील डील पर होते हैं. इनके काफ़ी सारे पैलेट 50% ऑफ पे होते हैं. सो अगर आप बहुत सारे लोकल पैलेट यूज़ करके थक चुके हो, आई वुड से एक अच्छी क्वालिटी का हुडा पैलेट ले लो, यू विल नॉट रिग्रेट. और सेल का एकदम सही टाइम होता है लेने का. देन नेक्स्ट अप आई हैव मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट. मेरे पास यहाँ पे दो पैलेट हैं. मेकअप रेवोल्यूशन पर यूजली बाय वन गेट वन आता है, लाइक या फिर दो पैलेट का कॉम्बिनेशन आता है, या फिर 50% ऑफ ऐसे करके आता है. सो मेरे पास सबसे पहले है मेकअप रेवोल्यूशन का लंदन का वाइल्ड एनिमल पैलेट. मैं काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ अपने वीडियोस में भी. ये बाहर से तो एकदम ब्लैक एंड वाइट ऐसा लगता होगा, अंदर से कितना बोरिंग पैलेट होगा, बट वंस यू ओपन इट, इट इज़ अ फुल ऑफ कलर्स पैलेट. लाइक लुक एट दिस. इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड या फिर आपकी शादी होने वाली, आप ट्रूजो के लिए कुछ देख, अपने मेकअप किट के लिए कोई पैलेट देख रहे हो ना, आई वुड से ग्रैब दिस वन. मतलब आप जो शादी के बाद जो भी ब्राइट लुक्स करते हो ना, इसमें सारे वो शेड हैं. आपको कोई शादी के टाइम का भी कोई आपको मेकअप करना है, हल्दी मेहंदी का जो ग्रीन कलर होता है, वी हैव येलो जो बहुत कम पैलेट्स में होता है, वी हैव अ नाइस प्रिटी पिंक कलर, ब्लू है, ब्लैक हमारे पास दो हैं, एक शिमर में एक मैट में, तो आप स्मोकी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो. मतलब इस पैलेट में सब कुछ है. तो क्वालिटी ऑफ दिस पैलेट इज़ रियली नाइस. इसके लाइट से लाइट कलर बहुत अच्छे से पॉप होते हैं. मैं आपको एक शेड स्वॉच करके दिखाती हूँ. सो आई जस्ट स्वॉच दिस ग्रीन कलर एंड आई स्वॉच दिस पिंक, आई स्वॉच दिस पर्पल एज वेल. ज़रा तीनों शेड को एक बार स्वॉच करके देखते हैं. द क्वालिटी इज़ रियली गुड. लुक एट दिस, कितनी अच्छी इनकी क्वालिटी है. इतने अच्छे से पॉप करते हैं. एवरी कलर पॉप्स रियली रियली वेल. और इसमें काफ़ी अच्छा बैलेंस है. इसमें काफ़ी शेड्स मैट भी हैं, काफ़ी शेड्स शिमरी भी हैं. सो अगर आपको एक पैलेट लेना है ना फॉर योर वेडिंग सॉर्ट ऑफ लुक, ग्रैब दिस वन, यू विल नॉट रिग्रेट एट ऑल. और ये 50% ऑफ में तो वर्थ इट है. बट इफ़ यू आर समवन हु लाइक न्यूड मेकअप, लाइक मैं ज़्यादातर ऐसा ही मेकअप करती हूँ जो काफ़ी पिंक टोन में न्यूड होता है, ज़्यादा कलरफुल मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती, देन यू कैन ग्रैब दिस वन. ये है मेकअप रेवोल्यूशन का फॉरएवर फ्लॉलेस एफिनिटी पैलेट एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. बाहर से पैकेजिंग काफ़ी प्रिटी है इसकी एंड अंदर से दिखता है कुछ इस तरह से. सो दिस इज मोर ऑन द न्यूडिश साइड. आपको दो पॉपिंग कलर तो मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे न्यूट्रल कलर्स हैं. यू कैन सी इसके अंदर प्रेस्ड शिमर भी आपको मिलता है. सो यूजली एक होता है लाइक शिमरी आई शेडो होता है, और एक होता है प्रेस्ड ग्लिटर्स जो होते हैं ना बेसिकली. सो इस वाले पैलेट में आपको प्रेस्ड ग्लिटर्स भी मिलते हैं एंड दीज आर लाइक बटरी बटरी सॉफ्ट. मैं एक बार आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ. इसका प्रेस्ड शिमर का जो स्वॉच आता है ना, वो इतना मस्त आता है. लाइक लुक एट दिस, ओ माई गॉड. और इसके बिना कोई भी लुक इनकम्प्लीट है. हम जब ब्राइडल या फिर वैसा मेकअप भी करते हैं ना, पार्टी मेकअप, हम हमेशा ये प्रेस्ड वाले शिमर अंदर की साइड डालते हैं और इससे ही लुक निकल के आती है. ट्रस्ट मी. सो पैलेट लाइक दिस इज़ अ गेम चेंजर. सो अगर आप थोड़े से न्यूडिश सॉर्ट ऑफ के फैन हो ना, यू कैन ग्रैब दिस वन, यू विल नॉट रिग्रेट. मेरे पास एक
छोटू सा भी आई शेडो का रिकमेंडेशन है, आई नो दे आर लॉट ऑफ गर्ल्स जिनको ज्यादा आई शेडो करना पसंद नहीं है, तो अननेसेसरी इतने बड़े बड़े पैलेट्स मत लो जो आप इतना नहीं यूज करोगे, उससे बेटर आप एक छोटा टाइनी आई शेडो पैलेट लो जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जिसका पिगमेंटेशन भी अच्छा हो। और ये एल्फ का बाइट साइज पैलेट है, लिटरली ये बाइट साइज होते हैं ऐसे छोटे छोटे, बहुत सारे शेड आते हैं इसमें, तो आप कोई भी अपना एक शेड चूज कर सकते हो, जो शेड आप ज्यादातर यूज करना प्रेफर करते हो आप वो पिक कर सकते हो। और एल्फ मोस्टली जब भी सेल आती है ना, हमेशा बाय वन गेट वन पे या फिर कोई ना कोई फ्लैट 50% ऑफ ऐसी डील पे होता है। ये वैसे 350 समथिंग का है इंडिया में, और ये जब बाय वन गेट वन पे आता है आप दो ले सकते हो, सो आपको एक पैलेट लाइक 150-200 का पड़ेगा। Both logic and math are taking a serious hit today. Which is like a steel deal. So, मेरे पास ये shade है very bad, very beautiful shade. So, this is how it looks like. छोटा सा palette है, लेकिन इसके shade बहुत अच्छे हैं। मैंने काफी बार पूरा जो एक शादी party वाला makeup होता है ना, मुझे कभी event में जाना होता है, मैं इससे भी कर लेती हूँ, because we have a light shade for crease, then we have a dark shade as well, जो आप हल्का सा crease create कर सकते हो, ये आप soft कर सकते हो, और दो आपको shimmer भी मिलते हैं। So, we have two shimmers as well, एक brown tone में, एक pink tone में। And the quality of these shimmers are very good. Like look at this, बहुत popping है। So अगर आप अच्छी quality का palette लेना चाहते हो, छोटू सा for traveling as well, अगर आपको कुछ travel kit के लिए चाहिए, या फिर आपको ऐसा चाहिए आपने office bag में डाल पाओ for a glam look on the go, then these are very nice. You won't regret. इतना सारा makeup करने के बाद of course उसको set तो करोगे ही। Usually मैं recommendation देती थी NYX का setting spray, Maybelline का setting spray, या फिर सस्ते में Mars का एक setting spray आता है, but सबको side पर रख दो। This is like the bomb of all setting spray. This is so good. ये forever 52 का makeup fixer, ये long lasting matte finish देता है, and this is very nice. ऐसे deodorant जैसे packaging में आता है, इसका एकदम fine, इतना ज़्यादा fine इसका spray निकलता है, like look at this. आपको पता भी नहीं चला होगा, camera में भी शायद capture नहीं हुआ होगा, very very fine. अच्छे से इसको spray करो, literally आपका makeup budge नहीं होगा. If you are someone जो शादी party में, या फिर अभी जो गर्मियों की शादी होती है ना, monsoon wedding होती है, पसीना आता है, sweat, humidity, makeup बहुत जल्दी उतर जाता है, transfer होता है, try this one. इसको स्प्रे करके अपने आप ड्राई होने दो, या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से डैब भी कर सकते हो अगर आपको अपना मेकअप लॉक करना है। काफ़ी बार हम क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लश लगा देते हैं, फाउंडेशन हमारा क्रैक फील होता है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, मैं लास्ट में स्प्रे करके ना एक स्पंज लेके हल्का हल्का डैब कर लेती हूँ, उससे वो सेट भी हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग भी बन जाता है। सो अगर फॉरएवर 52 की सेल आती है ना, इनके ये फाउंडेशन और ये स्प्रे ज़रूर लेना, यू वॉन्ट रिग्रेट। आई ऑल्सो हैव अ हाईलाइटर सजेशन। मैंने अभी तक कोई भी सुपर अफोर्डेबल ब्रांड की बात नहीं करी, सो मुझे लगा स्विस ब्यूटी की बात कर लेते हैं, बिकॉज स्विस ब्यूटी नायका पर अवेलेबल है, और नायका पर जो स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्राइसेज हैं वो ठीक है, वो इतने ओवर हाइप नहीं है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बार ज़्यादा भी दिखाते हैं। सो स्विस ब्यूटी में जो मेरा फेवरेट हाईलाइटर अभी चल रहा है वो है ये वाला, ये ऐसे फोर क्वार्ट सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग में आता है, इट इज़ अ बिग ब्लश एंड ब्लशर एंड हाईलाइटर। सो बेसिकली अगर आप इसको मिक्स करके यूज़ करते हो, एक ब्लशर शिमरी वाला इफेक्ट आता है, या फिर आप ये दो शेड यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप खाली एक एक शेड यूज़ करोगे तो एक हाईलाइटिंग इफेक्ट भी आता है। लाइक ये मेरा फेवरेट शेड है फॉर इनर कॉर्नर हाईलाइटिंग, बहुत पॉपिंग शेड है इसके, लाइक लुक एट दिस। सो आप इसको मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर शेड भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा एक हाईलाइटिंग इफेक्ट आता है। मैं ज़रा एक शेड यूज़ करती हूँ, बिकॉज मैंने आज हाईलाइटिंग लगाया, आई एम स्वेटिंग बाय द वे, ये हाईलाइटर नहीं है, ये स्वेट है, सी बहुत अच्छा एक नाइस ग्लोइंग इफेक्ट आता है। और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से दीज आर वेरी गुड, बहुत प्यारे लगते हैं ये। सो स्विस ब्यूटी में से मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगी, और इनका ये क्रीम टिंट जो मैंने अभी यूज़ किया है, वैसे मेरा पार्ट नहीं था इस रिकमेंडेशन का, बट यहाँ पे रखा है तो मैं दिखा देती हूँ, मैंने अभी ये यूज़ किया है, स्विस ब्यूटी के क्रीम एंड टिंट आते हैं, एंड दीज आर वेरी नाइस। ये है फ्रूटी फेक, बहुत प्यारा शेड है, मैंने अभी अपने मंथली फेवरेट में भी ये फीचर किया था, वेरी नाइस फॉर एवरीडे बेसिस, ये बहुत प्यारा शेड है। अगर आप कुछ वर्क ऑफिस के लिए एक सटल ब्लश जैसा देख रहे हो, ये बहुत अच्छा है, डू ट्राई दिस, और ये काफ़ी सस्ता है, लाइक आई थिंक या दिस फॉर 200 rupees ओनली। सो स्विस ब्यूटी पे अगर कोई डील आती है, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट देयर प्रोडक्ट। आई एम डन विद माई रिकमेंडेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक कर लेना। नाउ लेट्स डाइव इनटू व्हाट इज इन माय नायका हॉट पिंक सेल बॉक्स। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, बट कोई नहीं यार, आई लाइक लॉन्ग फॉर्म वीडियोज, यू लाइक ऑल्सो वॉचिंग माई लॉन्ग फॉर्म वीडियोज, सो जरा अनबॉक्सिंग करते हैं। वी हैव लॉट ऑफ स्टफ इन हेयर, और इसमें जो कुछ भी है ना वो अमेजिंग डील पे होने वाला है, बिकॉज नायका जब देता है तो ऑब्वियसली इन चीज़ों पे सेल है, तभी उन्होंने दिया है। सबसे पहले हमारे पास कलर बार का इंटेंसली रिच काजल, जो लॉन्ग लास्टिंग 12 आवर्स की बेसिकली एप्लीकेशन देता है, स्मच प्रूफ है, ट्रांसफर रेजिस्टेंस है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने कलर बार के काजल पहले भी यूज़ किए हुए अपने कॉलेज टाइम पे, बाद में भी तब कलर बार की पैकेजिंग अलग थी, लोगो अलग था, थोड़ा सा इन्होंने रीवैम्प कर दिया है, बट देयर काजल आर गुड। मैंने ट्राई किए हुए हैं, मैंने टेस्ट किए हुए हैं, सो आई कैन ट्रस्टेड, और अफोर्डेबल भी है। ये है सिर्फ क्या, दिस फॉर जस्ट ₹199, और कलर बार पे कोई ना कोई डील तो चल ही रही होगी। जो भी डील प्राइसेस होंगे, या फिर जो भी पर्टिकुलर ब्रांड पे डील होगी ना, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो
चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी. देयर आर लॉट ऑफ लिपस्टिक्स एज वेल जो हम बाद में देखने वाले हैं. सबसे पहले स्किन केयर के और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स को जरा गो थ्रू कर लेते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव स्ट्रीक्स का हेयर ग्लॉस सीरम जो मेरा फेवरेट सीरम हुआ करता था कॉलेज टाइम पे. अब थोड़ा सा बजट बढ़ गया ना तो मैं लॉरियल वगैरह यूज़ करने लगी हूँ, बट तब जब बजट बहुत कम होता था ज़्यादा पैसे नहीं होते थे. आई रिमेंबर ही आई थिंक 80-90 रुपीज का इतना सा आता था और मैं अपने कॉलेज टाइम पे यही यूज़ करती थी. मैंने अपने कॉलेज में स्मूदनिंग कराई थी, सो स्मूदनिंग के बाद काफ़ी अच्छे से ना हेयर वॉश करके सीरम एंड ऑल लगाना होता है. दिस वॉज एक्चुअली वेरी गुड. इनफैक्ट अभी भी बड़े बड़े सैलॉन्स लाइक अपने लोकल ब्यूटी पार्लर फिर किसी अच्छे सैलॉन में जाओगे ना वहाँ पर भी स्ट्रीक्स वाले सीरम यूज़ किया जाता है. या आई रिमेंबर देयर स्मेल एज वेल, बड़ी मस्त खुशबू आती है इसमें से. सो अगर आप कुछ अफोर्डेबल सीरम देख रहे हो ना फॉर हेयर, दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. नेक्स्ट वी हैव शैम्पूज फ्रॉम नायका. एक है इनका अनियन फेनुग्रीक रेज का शैम्पू और ये है ओके अनियन. ओके वी हैव सेम शैम्पूज नायका को पता है मुझे इनके शैम्पूज बहुत पसंद है. सो आई थिंक उन्होंने मुझे दो दो भेज दिए हैं. ये रेंज मेरी पर्टिकुलरली फेवरेट है जो ये इनकी अनियन फेनुग्रीक रेंज आती है एंड आई लव देयर शैम्पूज. ये तो सबसे बड़ी पैकेजिंग है. अगर आप ट्राई करना चाहते हो ना इनकी एक छोटी सी पैकेजिंग भी आती है, आप वो छोटी वाली लेके देख सकते हो. बट ये तो मैंने आई थिंक एक या दो साल जब से लॉन्च हुए मैं तब से रिकमेंड कर रही हूँ. तब से मैं मल्टीपल बॉटल फिनिश कर चुकी हूँ. आई लव दीज. बहुत अच्छे से बालों को रिंस मतलब क्लेंस भी कर देते हैं, रिंस भी इजिली हो जाता है, आपके बाल ग्रीसी फील नहीं होते या फिर ड्राई फील नहीं होते. इसके साथ तो आपको कंडीशनर भी ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं. अगर आप कुछ ऑन द गो देख रहे हो ना आप ये भी लगा के छोड़ सकते हो, आपके बाल एक अच्छे नरिश रहते हैं. ऑल्सो दीज आर मिनरल ऑयल फ्री, नो एडेड कलर एंड फैलेट फ्री, पैराबिन फ्री, SLS, SLES फ्री. सो अगर आप कुछ ऐसे सल्फेट एंड ऑल फ्री शैम्पूज देख रहे हो, और ये फोम भी अच्छा होता है. काफ़ी बार जो SLS फ्री शैम्पूज होते हैं ना वो फोम नहीं होते, बट इसका काफ़ी अच्छा फोम बनता है. सो या यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. नेक्स्ट वी हैव फ्यू फ्रॉम मामाअर्थ एज वेल. सबसे पहले हमारे पास मामाअर्थ का रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल. ओके मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स तो यूज़ करे अर्थ से हो गए आई थिंक अब दो साल होने वाले हैं. मैंने मामाअर्थ का काम नहीं किया, मैं दो या ढाई साल पहले काम करती थी. बट इनके हेयर के प्रोडक्ट्स ना मुझे इतने पसंद नहीं थे, सो मैंने कहीं ना कहीं मना ही कर दिया था फिर कोलैबोरेशन के लिए. सो आई एम नॉट रियली श्योर ये अब कैसा वर्क करता है. ये इनका न्यू लॉन्च वाला हेयर ग्रोथ ऑयल है, अगर आपने ट्राई किया हो तो मुझे ज़रूर बताना. हमारे पास एक और प्रोडक्ट है फ्रॉम मामाअर्थ जो है इनका ऑयल कंट्रोल एंड एक्ने फेस वॉश. फेस वॉश मामाअर्थ के फिर मुझे थोड़े से डिसेंट लगते हैं, मतलब ये ठीक ठाक काम कर जाते हैं. मामाअर्थ पे भी अमेजिंग डील चलती है जब सेल आती है ना, सो आप चेक कर सकते हो. सो वी हैव अ मैंडेटरी थिंग जो हर बार नायका के पीआर बॉक्स में आता ही आता है, वो है ये हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर. बिकॉज न्यूट्रीजना पे हमेशा अच्छी डील्स होती है. न्यूट्रीजना का जो कहीं ना कहीं बेस्ट सेलर है ना वो हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर ही है. दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. बहुत अच्छा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है. मैंने इसके एक दो टब पहले फिनिश करे हुए हैं. द ओनली थिंग इज फ्रेग्रेंस बहुत हाई है. सो जब भी स्किन हल्की सी सेंसिटिव होती है, रेडनेस होती है, तो तब मुझे लगता है मैं इसको अवॉइड करती हूँ. बट अगर आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है लेकिन ऑयली है या फिर एक्ने प्रोन है या फिर ऑयली बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिकली मैं ऑयली स्किन के लिए बोलूंगी, तो ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है बिकॉज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन. नेक्स्ट अप वी हैव डॉक्टर शेड्स का सीका एंड सेरामाइड जेंटल क्लेंजर. डॉक्टर शेड्स तो मेरी फेवरेट ब्रांड है, यू गाइस नो. आई एक्टिवली वर्क विद देम बिकॉज आई एक्चुअली लाइक देम, लाइक देयर प्रोडक्ट्स. और ये इनका जेंटल क्लेंजर है. सो मैंने इनका एक सेरामाइड वाला क्लेंजर तो बहुत बार यूज़ किया हुआ है जो एक ऐसे रिच लैदरी फोमी टेक्सचर में आता है, लेकिन इन्होंने एक जेंटल क्लेंजर भी निकाला है जो अगेन सीका और सेरामाइड का है. इट्स लाइक अ ड्यूप ऑफ सेटाफिल क्लेंजर. सेटाफिल का भी एक जेंटल क्लेंजर आता है ना, तो उन्होंने इनका एक ड्यूप सॉर्ट ऑफ निकाला है जो सीका एक्सट्रैक्ट है, सेरामाइड है, ग्लिसरीन है, एलोवेरा है. सो अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है या फिर बहुत जल्दी सेंसिटाइज हो जाती है, फेस वॉश यूज़ करने के बाद रेडनेस हो जाती है, सूखी सूखी फील होती है, तो ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा है बिकॉज लाइक दैट जेंटल फॉर्मुलेशन जो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन को सूट कर ही जाता है. ओके नेक्स्ट अप वी हैव मारियो बेडेस्कू के ड्राइंग पैच. दिस आर लुक्स लाइक. ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया. मैंने मारियो बेडेस्कू का ड्राइंग लोशन ट्राई किया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा है. जो वो ऐसे डबल डिप वाला आता है ना ऊपर, क्या होता है उसके अंदर कुछ लिक्विड होता है और नीचे ऐसे कैलामाइन होता है, उसमें आप क्यू टिप डाल के फिर ऐसे अप्लाई करते हो, वो तो मैंने यूज़ किया हुआ है. वो काफ़ी अच्छा है, बहुत जल्दी एक्ने को ड्राई कर देता है. बट इनके पैचेस मैंने कभी ट्राई नहीं किए. पैचेस सबसे बेस्ट होते हैं जब इंस्टेंट वाला चाहिए होता है, मतलब अगले दिन कोई फंक्शन है, कल कहीं जाना है, बड़ा सा कोई पस्टूल हुआ हुआ है, सो फटाफट से ऐसे पैचेस लगा लो, काम हो जाता है. सो लेट मी जस्ट ओपन वन पैच एंड सी. ओ दीज आर हाइड्रोकोलॉइड पैचेस ओनली, बट दीज आर वेरी थिन. वो अर्बन योग के थोड़े से मोटे हैं, ये हल्के से पतले पैचेस हैं, कैन यू सी. और ये सेम साइज़ के हैं, इसमें साइजिंग का कोई डिफरेंस नहीं है. यूजली जब पैक आता है अलग अलग साइजेस आते हैं. दीज आर 60 पैचेस का ये पैक आता है. इसके अंदर सैल्सिलिक एसिड है, हाइड्रेटिंग एंड सूदिंग हाइलुरोनिक एसिड, नायसिनमाइड एंड वाइटामिन सी भी है. ओके सो आई थिंक ये स्किन को ड्राई नहीं करेगा. काफ़ी बार जो पैचेस होते हैं ना वो स्किन ऐसे सुखा देते हैं, सो इसमें उन्होंने नायसिनमाइड,
विटामिन सी हाइलुरोनिक एसिड डाला है, सो आई थिंक उससे एक ड्राइनेस जो होती है वो कंपनसेट हो जाती है. नेक्स्ट वी हैव बायोटिका कुकुम्बर पोर टाइटनिंग रिफ्रेशिंग टोनर. आई हेट दिस प्रोडक्ट, मतलब बड़ी नफरत है मुझे इस प्रोडक्ट से. आई डोंट नो ये कैसे सूट कर रहा है लोगों को, बट मैंने इसको एक दो बार ट्राई किया था बहुत पहले एंड माई स्किन काइंड ऑफ बर्न, मतलब पता नहीं इसको लगाते इसे चीजी चीज सेंसेशन फील होती है. बायोटिक एज अ ब्रांड मुझे थोड़ा सा फिशी लगता है. आई डोंट नो ये अपने इंग्रीडियंट्स को रिवील नहीं करते, इनकी इंग्रीडियंट लिस्ट कोई नहीं होती, ये खाली अपने की इंग्रीडियंट्स लिखते हैं. या अभी भी इन्होंने इंग्रीडियंट लिस्ट नहीं मतलब डालनी शुरू करी, आई डोंट नो कौन से जमाने में रह रहे हैं. दिस इज समथिंग आई विल नेवर नेवर रिकमेंड. अगर आपको सूट करता है तो ठीक है यार, बट मैं नहीं रिकमेंड करूंगी, आई डोंट लाइक इट. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव अनदर स्किन केयर प्रोडक्ट फ्रॉम मिनिमलिस्ट. ये उनका वाइटामिन सी एंड वाइटामिन ई सीरम. काफ़ी अच्छा सीरम है, मैंने टेस्ट करके देखा हुआ है. टेस्ट खोला क्या मैंने, ये मैंने टेस्ट करके देखा हुआ है. बहुत ज़्यादा बोली ना मैं, टंग टायर्ड हो रही हूँ, बट दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. क्या होता है ना, वाइटामिन सी सीरम बहुत सारे ब्रांड्स के ड्राइंग होते हैं, ऐसे स्किन सूखी सूखी लगती है, ऐसे स्ट्रेची लगती है. लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है आपको फिर भी वाइटामिन सी यूज़ करना है, ग्रैब दिस वन, बिकॉज में वाइटामिन ई भी है, फेरुलिक एसिड है. वाइटामिन ई की ना एक नरिशमेंट मिलती है, उससे स्किन आपकी ड्राई नहीं होती, क्रैक्स नहीं पड़ते. सो अगर आपकी हल्की सी कॉम्प्रोमाइज स्किन है लेकिन आपको वाइटामिन सी बेस्ड कुछ यूज़ करना है, यू कैन ट्राई दिस वन. नेक्स्ट अप वी हैव अनदर ब्रांड विच इज डर्माकोया. इनका 1% सैलिसिलिक एसिड डेली फेस वॉश जो मैंने बहुत पहले रिकमेंड किया था, और मैं अभी रिसेंटली भी अपनी एक वीडियो में जो मैंने कोलैबोरेशन बनाई थी रिकमेंड कर चुकी हूँ. काफ़ी अच्छा सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश है जो अच्छे सूट कर जाता है. अगर आपको डर्माको के प्रोडक्ट सूट करते हैं ना, देन ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है. इट्स लाइक अ वेरी नाइस जेंटल जेल क्लेंजर फॉर एक्ने प्रोन स्किन, सो डू चेक इट आउट. नेक्स्ट अप वी हैव सेटाफिल. सेटाफिल का है ये ऑप्टिमल हाइड्रेशन डेली क्रीम. दिस हाउ इट लुक्स लाइक. ये कहता है दिस फॉर ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन. ओके, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया बिकॉज मेरी ऑयली स्किन ऑफ कोर्स, बट कभी कभी होता है थोड़ा बहुत दिन आते हैं ऐसे जब स्किन ऐसी ड्राई डिहाइड्रेटेड फील होती है, तो तब मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ. अगर इनमें से कुछ भी आपने यूज़ किया हो ना, तो प्लीज़ अपना शॉर्ट रिव्यू नीचे कॉमेंट्स में डालना है. ऑलवेज से कॉमेंट सेक्शन को भी थोड़ा यूजफुल बनाओ, ऐसे खाली बातें नहीं होनी चाहिए. सो अगर आपने कुछ भी यूज़ किया हुआ है, चाहे अच्छा हो, उसका रिजल्ट बुरा हो तभी भी शेयर करो, किसी के पैसे बचते हैं और क्या चाहिए. सो अगर आपने कुछ यूज़ किया तो डू लेट मी नो. मैंने अगेन टेस्ट नहीं किया है, दिस मोर लाइक अनबॉक्सिंग थिंग, सो मैं ज़्यादा कॉमेंट नहीं कर सकती. नेक्स्ट अप वी हैव O3 का प्रोडक्ट. ये O3 प्रोफेशनल का डी टैन पैक. दिस फॉर ब्राइटनिंग एंड ग्लो बूस्टिंग. दिस हाउ इट लुक्स लाइक एंड आई काइंड ऑफ ट्रस्टेड बिकॉज सैलॉन्स में जो टॉप सैलॉन्स होते हैं ना, आप कभी भी जाओगे अच्छा फेशियल कराने, वो O3 का ही करते हैं. और ये आई थिंक पैक मेरे पे यूज़ हुआ है, मैंने कभी कराया था एक बार डी टैन फेशियल, तो मैंने ये ट्राई करके देखा है सैलॉन में, काफ़ी अच्छा है. अगर आप घर पे कोई डी टैन पैक देख रहे हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो. आई एम गोना यूज़ इट डेफिनेटली बिकॉज बजर टैनिंग हो चुकी है. सारी ब्रांड्स कवर कर ली, तो डॉट एंड की कैसे पीछे रह सकते हैं, मतलब इस बॉक्स में सारी ब्रांड्स हैं. सो ये डॉट एंड की वाइटामिन सी एंड ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन. ये भी मैंने स्वॉच करके पहले देखी हुई है, प्रॉपर नहीं यूज़ करी, लेकिन मैं हल्का फुल्का स्वॉच करके देखा. इट्स लाइक अ वेरी नाइस थिन कंसिस्टेंसी की सनस्क्रीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये काफ़ी पतली है, काफ़ी जल्दी ब्लेंड हो जाती है. सो इट हैज 50 SPF. दिस इज ट्रिपल वाइटामिन सी नो वाइट कास्ट एक्टिव वाइटामिन डी रिसेप्टर्स. अगर आपको डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स पसंद है ना, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. इनका लिप लंपिंग मुझे लिप मास्क बहुत अच्छा लगता है. इनके सीरम्स बहुत अच्छे हैं, इसकी फुट क्रीम बहुत अच्छी है. देन इनका एक वाटर बेस्ड जेल क्रेम आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है. सो या इनका एक ग्लॉस भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है. सो या डेफिनेटली चेक इट आउट. डॉट एंड की पे डेफिनेटली अच्छे ऑफर्स होंगे. फाइनली बॉक्स थोड़ा सा हल्का हो गया बिकॉज सबसे भारी प्रोडक्ट निकल गया है. ये ट्रेस्मे का केराटिन स्मूथ शैम्पू जो ऑलरेडी मेरे वॉशरूम में रखा हुआ है. आई थिंक मैं मिडिल तक तो आई चुकी हूँ बिकॉज मैं आजकल रेगुलरली यही ऑन एंड ऑफ करके यूज़ करती रहती हूँ. ये लोअर सल्फेट फॉर्मुलेशन है. बाय द वे बीच में आपने देखा होगा ट्रेस्मे पे काफ़ी ज़्यादा केस हो गया था कि ये बहुत ज़्यादा सल्फेट यूज़ करते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है. तो उसके बाद ट्रेस्मे ने थोड़ी सी अपनी फॉर्मुलेशन इंप्रूव करी है. सो इन्होंने लो सल्फेट फॉर्मूला निकाला है. एंड सल्फेट बेस्ड शैम्पू कभी कभी यूज़ कर लेने चाहिए. मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि सल्फेट फ्री जिंदगी भर यूज़ करते रहो, बिकॉज सल्फेट फ्री शैम्पूज भी ना काफ़ी बार स्कैल्प को अच्छे से क्लेंस नहीं कर पाते. सो वंस इन 15 days मैं प्रेफर करती हूँ मैं एक सल्फेट बेस्ड शैम्पू यूज़ करूँ, सो दैट मेरी स्कैल्प अच्छे से क्लेंस हो जाए. सो ये काफ़ी अच्छा है अगर आपने केराटिन कराई हुई है या फिर आपको एक हल्के से स्मूथ बालों का इफेक्ट पसंद है, तो ये काफ़ी अच्छा है. इसका सीरम भी बहुत अच्छा है. सीरम तो मैंने प्रमोट भी किया हुआ है पेड कोलैबोरेशन में, वो भी काफ़ी अच्छा है. सस्ता भी है, इतना सा आता है, आई थिंक 200-250 समथिंग का आता है. वो केराटिन स्मूथ रेंज का ही है. सो अगर आपने स्मूथनिंग या केराटिन कुछ कराया हुआ है, ये रेंज काफ़ी अच्छी है. एंड फाइनली बची है हमारी लिपस्टिक्स. वी हैव लॉट ऑफ लिपस्टिक्स दिस टाइम. सबसे पहले है नायका की मैट टू लास्ट लिपस्टिक इन द शेड मद्रास कापी. ओके, दिस इज लाइक द बेस्ट सेलर लिपस्टिक. मैंने बहुत इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर से सुना है कि इसका शेड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा न्यूडिश कलर है. सो फाइनली आई हैव इट. जरा एक बार स्वॉच करके देखते हैं इसकी क्या हाइप है. सो ये इनकी लिक्विड फॉर्मुलेशन है बाय द वे, जो मैट एकदम इफेक्ट देती है. सो अगर आपको मैट लिपस्टिक पसंद है जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है, आप ये
नायका की ट्राई कर सकते हो. अगेन नायका की सेल है तो नायका अपनी ब्रांड पर तो दबा के डिस्काउंट देगा. सो लेट मी स्वॉच मद्रास कापी हाउ इट लुक्स लाइक. ओह इट्स अ वेरी प्रिटी ब्राउन शेड. नाइस एवरीडे बेसिस के लिए बहुत अच्छा है. इट विल सूट इंडियन स्किन टोन. मतलब हमारी जो इंडियन स्किन टोन है ना उस पर ये वाला ब्राउन टोन बहुत प्यारा लगेगा. नेक्स्ट अप वी हैव अ लिपस्टिक फ्रॉम मामा अर्थ. ये मामा अर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक एंड दिस इज माय फर्स्ट एवर मामा अर्थ की लिपस्टिक. यस इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास मामा अर्थ की कोई लिपस्टिक ही नहीं है बिकॉज आई डोंट वर्क विद मामा अर्थ. एंड अभी तक तो मैंने 1.5-2 साल हो चुके हैं मामा अर्थ के साथ काम नहीं किया. और रिसेंटली 1 साल पहले आई थिंक उन्होंने मेकअप सॉर्ट ऑफ लॉन्च किया है. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ सो मैं वर्क नहीं करती हूँ. मेरे पास उनके प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा है नहीं, मैंने कभी परचेज भी नहीं किए. सो फाइनली वी हैव अ लिपस्टिक. मेरा बड़ा मन था मामा अर्थ की लिपस्टिक टेस्ट करने का बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारे आप इन्फ्लुएंसर को देखते हो बात करते हुए. सो आई फाइनली हैव इट. ये है मामा अर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक इन द शेड कार्नेशन न्यूड 01. ओके नायका ने मुझे सारे न्यूड वाले शेड भेजे हैं. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ओह सो मद्रास काफी जो है वो थोड़ा सा ब्राउन टोन में है और इसका एक न्यूड जो है वो पिंक टोन में है. एंड दिस इज सुपर बटरी. एक बार से अप्लाई करके देखें बिकॉज मेरे लिप्स अब क्रैक हो रहे हैं. इट्स गुड. इसका नाम मैट टू लास्ट क्यों है. मॉइस्चर मैट. ओके मॉइस्चराइजिंग भी है लेकिन मैट इफेक्ट देती है विच इज ऑपोजिट. मतलब मॉइस्चराइजिंग और मैट का कोई लेना देना नहीं है बट चलो मामा अर्थ है मान लेते हैं मॉइस्चर मैट इफेक्ट दे रही है. बट फॉर नाउ इट्स नाइस. इट्स लाइक अ वेरी नाइस लिप बामी सॉर्ट ऑफ इफेक्ट. अगर आपको हल्की सी मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक पसंद है आप ये वाली ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट अप वी हैव लैक्मे की 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक. दिस हाउ इट लुक्स लाइक. ये तो बड़ी यूज करी है मैंने अपने कॉलेज टाइम में बिकॉज तब लैक्मे ही ऐसी ब्रांड होती थी. मतलब तब इतना ज्यादा था नहीं मेकअप का, तब लिमिटेड ब्रांड्स थी तो हम ट्रस्टेड ब्रांड्स यूज करते थे. अब तो भरमार हो गई है ब्रांड्स की. बट ये मैंने तब एक और फॉर्मुलेशन में आती थी वो यूज करी हुई है. सो दिस वन इज इन द शेड MR4. दिस इज रोजिएट रेड. ओके दिस इज रोजिएट रेड. दिस इज मोर लाइक अ न्यूडिश रेड कलर आई वुड से. मतलब ऑन द फेस रेड नहीं है लेकिन एक बड़ा रोजी कलर है. सो यू कैन सी ऑल 3 शेड. वी आर डन विद आवर अनबॉक्सिंग ऑफ नायका हॉट पिंक सेल बॉक्स. ये हो चुका है खाली लेकिन अब टाइम है आपका शॉपिंग करने का. ये वीडियो मैं तभी लाइव करूंगी जब सेल स्टार्ट हो चुकी होगी. सो अभी सेल स्टार्ट हो चुकी है. मेक श्योर ग्रैब द बेस्ट आउट ऑफ इट. मैं सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. मैंने जो रिकमेंड किया उनके भी और जो मेरे बॉक्स में आया उनके भी सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे. और जो भी डील्स चल रही है ब्रांड पे वो तो मैंने आपको साथ साथ यहाँ पे मेंशन कर ही दिया होगा. यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो डू शॉप. नीचे जितने भी लिंक्स हैं वो एफिलेट लिंक्स हैं. दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड. मैं पहले क्लियर कर रही हूँ बट लिंक्स आर एफिलेट. आई काइंड ऑफ अर्न अ लिटिल मार्जिन. सो मेक श्योर यू शॉप फ्रॉम माई लिंक्स. दैट्स अ बेस्ट यू कैन डू फॉर मी. यार आपको अच्छे से रिकमेंडेशन देती हूँ. सो लीस्ट यू कैन डू फॉर मी इज शॉप फ्रॉम माई लिंक्स. सो यार डेफिनेटली चेक इट आउट. और मुझे जरूर बताना इंस्टाग्राम पर आपने क्या शॉप किया. इसके अलावा और भी रिकमेंडेशन जो भी मैं करूँगी जब सेल थोड़ी सी और स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी ना मैं देखूंगी और क्या चीज़ें अच्छी डील पर है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगी. सो मेक श्योर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम आईडी इज kashika.chauhan. यू कैन गो देयर एंड फॉलो मी. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.